नमस्कार, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र भारत के बहुत ही पुराने शास्त्र हैं, जिनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनको करने से हमारी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी 10 बहुत ही आसान टोटके, जिन्हें आप घर पे ही कर सकते हैं, जिनके लिए आपको बाहर से ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले हो जाए चैनल का एक छोटा सा इंट्रो, तो आइए देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। हम सबके घर में रोटी तो बनती ही है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब रोटी बन रही हो तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देनी चाहिए। गाय के शरीर में वास करने वाले देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब हम सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को थोड़ी देर देखना चाहिए और उसके बाद उसे अपने मुंह पर फेरना चाहिए। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हथेली पे माँ सरस्वती, काली और लक्ष्मी तीनों का वास होता है। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं और आर्थिक और मानसिक परेशानी दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने घर के मंदिर को फूलों से सजाएं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हमारी आर्थिक और मानसिक परेशानियां भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। लेकिन फूल हमेशा ताज़े होने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन्हें ऋतु के अनुसार ही लिया जाए, और खुद से अपने हाथों से अपने मंदिर को सजा कर रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण स्वच्छ रहता है और धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। हम सब अपने घर में साफ सफाई तो करते ही हैं। कहा जाता है कि जितनी जल्दी सुबह हो सके उतनी जल्दी सुबह उठ के हमें पहले साफ सफाई कर लेना चाहिए और तब बाकी का काम करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। सुबह पूजा पाठ करने के पहले, दिया जलाने के पहले घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। सुबह जब आप काम पर जाएं तो कुछ पैसे निकाल कर अपने भगवान के मंदिर में रख दें, और जब शाम को लौट कर आएं तो उसे धूप दीप दिखाकर किसी गुल्लक में डाल दें। ऐसा लगातार 43 दिन तक, यानी कि 43 डेज तक करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे धन लाभ भी होने लगता है, और धन के मार्ग में आ रही जो दिक्कतें होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर पॉसिबल हो तो रोज़ सुबह उठकर एक लोटा जल पीपल के पेड़ में चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और इससे वो प्रसन्न होते हैं और सभी परेशानियां दूर करते हैं और शुभ फल भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप काम से घर पर लौटें शाम को तो कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर लेकर आना चाहिए। कभी खाली हाथ घर में नहीं घुसना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो आप पेड़ से तोड़कर कुछ पत्ते ही लेते हैं। इससे घर में लगातार तरक्की होती है और बरकत आती है। अगर आपके घर के पास कोई नदी, झील या तालाब हो तो उसमें जाकर रोज मछलियों को कुछ चारा खिलाएं, जैसे कि आटे की गोली। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धीरे धीरे आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने लगती हैं। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी सोई हुई किस्मत खुल सकती है। कुत्ते को प्रतिदिन रोटी देने से जहां दुश्मनों का भय हटता है वहीं आदमी निडर भी बनता है। कुत्ता पालने से जहां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं वहीं कुत्ता घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। तो ये थे कुछ टोटके नुस्खे, जिनके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है और इससे आपकी आर्थिक और मानसिक समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो उन्हें एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए।